स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट सी। ओके, ये इस तरीके का डायग्राम आपको पार्ट सी में मिलेगा। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर एक्स लिखा है इन्होंने और ऐसे डबल आर्क लगाया है, यहाँ पे भी डबल आर्क लगाया है। मतलब कहना चाहते हैं जब भी डबल आर्क लगाओ ऐसा, तो यानी कि ये वाला एक्स और ये वाला एक्स इक्वल है, यानी कि जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा। ठीक है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। देखिए, ये वाले पॉइंट का नाम हमने ए रखा, यहाँ पर हमने लिखा बी, यहाँ पर हमने लिखा सी, यहाँ पर हमने लिखा डी। ओके, ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी और ये हो गया ई। अब आप मुझे ये बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागॉन है। टोटल कितने साइड्स हैं? फाइव साइड्स हैं, चेक कर लो। एक साइड हो गया ए ई, ठीक है, तो ए ई इसका फर्स्ट साइड हो गया। ठीक, नेक्स्ट साइड हो गया ए बी, ठीक, नेक्स्ट साइड हो गया बी सी, ठीक, नेक्स्ट साइड हो गया सी डी, ठीक, नेक्स्ट साइड हो गया इसका डी ई। तो टोटल कितने साइड्स हैं? फाइव, वन टू थ्री फोर, फाइव साइड्स हैं। यानी कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कितने साइड्स होते हैं, एन साइड्स, क्वाड्रिलेटरल कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, किसी भी पॉलीगन में अगर कितने साइड्स हैं, एन साइड्स, तो उसके एंगल्स का सम कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? फॉर्मूला याद है आपको क्या होता है? एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, करेक्ट, जहां पर n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो n की वैल्यू कितनी, कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल्स टू, यहां पर n इज इक्वल्स टू पेंटागॉन है, तो n इज इक्वल्स टू 5 रखेंगे। रखिए, n की जगह 5 रखा, माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करिए, 5 माइनस टू 3, 3 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 कितना होता है? 540 डिग्री, यानी कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 540 डिग्री होगा। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, ये देखो, ये एक्सटीरियर एंगल दिया है बाहर वाला 70, ठीक, तो ये अंदर वाला, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। लीनियर पेयर से चेक करो बेटा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और ऐसे अगर ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये वाला एंगल अगर 70 है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ये अगर 70 है तो हम क्या करेंगे, 180 में से 70 को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 7 1, तो 110। लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट है ना, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, अंदर वाला एंगल ए की वैल्यू निकाल ली। एंगल ए कितना आ गया? 180 माइनस 70 मींस, 180 डिग्री माइनस 70 मींस एंगल ए कितना आ गया? 110 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल कितना है? 60 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, मतलब अंदर वाला जो एंगल ई है, सो एंगल ई, और हम ये कहाँ कर रहे हैं, इन इन हेडिंग लगा देंगे, इन पेंटागॉन, पेंटागॉन मतलब जिसमें टोटल फाइव साइड है, इन पेंटागॉन, पेंटागॉन का नाम क्या रखा, ए बी सी डी ई, इन पेंटागॉन ए बी सी डी ई, एंगल ए निकाल लिया, ये कितना आ गया, 110 डिग्री, ठीक, और एंगल ई निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे एंगल ई बच्चों? 120 में से 60 को माइनस करेंगे। ओके, सॉरी 120 कह रहा हूँ, 180 में से लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ये वाला एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। ओके, तो 180 माइनस क्या करेंगे, 60, कितना आ जाएगा एंगल ई आ गया किससे बच्चों, कितना आ गया एंगल ई, 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल ई आ गया, लिख देते छोटा छोटा, 120 डिग्री लिखा हुआ है। ओके, तो ये सारा जो काम किया, इसका रीजन आपको लिखना है, तो आप रीजन साइड में लिख दें, बाय लीनियर पेयर, है ना, बाय लीनियर पेयर हमने ऐसा किया है, ठीक, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप रीजन नहीं लिखोगे। ये हो गया, ठीक है, अब सुनो, अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन पेंटागन कितना होता है, 540, ये नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, कर लिया, ठीक है, चलो। तो अगर हम पेंटागॉन के 5 एंगल्स का सम करेंगे तो उसको हमें किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 540 के इक्वल, मतलब समझो, तो हमने अपनी कॉपी में लिखा इन पेंटागॉन ए बी सी डी ई, इन पेंटागॉन ए बी सी डी ई, एंगल ए, ठीक, और प्लस एंगल बी, और प्लस एंगल सी, और प्लस एंगल डी, और प्लस एंगल ई, ये 5 एंगल हैं इसमें टोटल, 5, पांचों के 5 जो 5 एंगल्स हैं उनका सम कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। ओके, 540 के इसको इक्वल रखो, ठीक, अब इसको सॉल्व करो, और एंगल ए, एंगल ए की जगह कितना रखेंगे, 110, अंदर वाला एंगल रखना है, एंगल ए की जगह रखा 110 प्लस
एंगल बी की जगह एक्स लिखेंगे, और प्लस एंगल सी की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, और प्लस एंगल डी की जगह क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, और प्लस एंगल ई, एंगल ई अंदर वाला एंगल लिखना है, एंगल ई कितना आया था 120 आया था, ठीक है ना। तो एंगल ई की जगह हमने कितना लिखा 120 इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब ध्यान से चेक करो, 110 प्लस 30 प्लस 120 इनको आपस में ऐड कर लो, ठीक है। तो कहीं पे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 110 प्लस 30 डिग्री और प्लस 120 डिग्री ऐड करिए, 0 3 + 2 5 + 1 6 260 आ जाएगा। तो 110 प्लस 30 प्लस 120, 30 प्लस 120 कितना हो गया 260 डिग्री। और खास बात ध्यान दें, ये वाला x और ये वाला x, x प्लस x कितना होता है भाई, दोनों x भी तो ऐड हो जाएंगे, x प्लस x होता है 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये 260 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, लेफ्ट में बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 2x के आगे प्लस है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, और 540। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ 260 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, वहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, 2x इज इक्वल्स टू 540 माइनस 260 कितना होता है, यहाँ कहीं कर लें 540 माइनस 260 करिए, 0 माइनस 0 0, यहाँ से 14 माइनस 6 8 होता है, यहाँ 4 माइनस 2 2 कितना हो जाएगा 280 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, 280 डिग्री, लेकिन ये 2x की वैल्यू आई है। अब 2x का क्या मतलब होता है, 2 इंटू एक्स है ना भाई, 2x का क्या मतलब होता है बेटा, लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है 2 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 280। अब देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यानी कि x फ्री हो जाएगा, x अकेला बचेगा, 2 उधर चला जाएगा, सो 280 बाय कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक। सॉल्व करिए, 2 1 2 2 1 2 2 4 8 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री, ये लीजिए, यानी कि ये वाला जो एंगल d, ये भी 140 है, क्योंकि x की वैल्यू 140 है, और ये भी कितना है 140 है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए।